नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कमेंट करके आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। तो आज हम बात करेंगे मैच नंबर 26 की, जो की होगा 7 अगस्त 2021, दिन होगा शनिवार का, शाम का ये लगभग 7:30 बजे का मैच रहेगा। TNPL यानी तमिलनाडु प्रीमियर लीग, सालम स्पार्टन्स वर्सेस मदुराई पैंथर्स। तो दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, दोनों ही टीम्स अपना प्रदर्शन कैसा दिखाएंगे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सालम स्पार्टन्स की, तो ड्रायल फरेरियो उसके कप्तान हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 7 मई 1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वहीं पर टोटल की बात करें तो इनका टोटल बन रहा है यानी डेस्टिनी नंबर 3। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस जो है इस मैच पे बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि एफर्ट्स अपने पूरे लगाएंगे मगर प्रदर्शन जो है इनका आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें सालम स्पार्टन्स की यानी टीम की, तो टीम का प्रदर्शन भी आपको काफी हद तक बेहतरीन देखने को मिल सकता है। नो डाउट स्कोर बहुत अच्छा बनाएंगे, अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देंगे और कहीं ना कहीं इनका ग्राफ भी आपको बहुत अच्छा इस मैच के दौरान देखने को मिलेगा। अब वहीं पे प्लेयर्स की बात करें, विजय शंकर, रॉयल फरेरियो, एस अभिषेक, लोकेश राज, ये प्लेयर्स काफी हद तक अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाएंगे। अब वहीं पे अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट खेलने वाली टीम यानी मदुराई पैंथर्स की, तो इसके कप्तान हैं अरुण कार्तिक, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1986, टोटल जो बन रहा है 5 बन रहा है यानी बुध का नंबर। अब वहीं पे इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, नो डाउट स्टार्टअप ये बहुत अच्छा लेंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देंगे और कहीं ना कहीं स्कोर भी बहुत अच्छा बनाएंगे, मगर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये जल्दबाजी कर सकते हैं जिसकी वजह से सडनली आउट हो सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें मदुराई पैंथर्स की यानी टीम परफॉर्मेंस की, कैसा रहेगा टीम परफॉर्मेंस, तो टीम परफॉर्मेंस जो रहने की संभावना है वो बहुत खास रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो मैच रहेगा मदुराई पैंथर्स का, बहुत अच्छा स्कोर बनाएंगे और कहीं ना कहीं सालम स्पार्टन्स के बिल्कुल टक्कर का जवाब देंगे, यानी अपनी पूरी पूरी कोशिश करेंगे और स्कोर भी बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हर तरफ से इनकी जितनी भी योजनाएं होंगी वो काम जरूर आएंगी। अब वहीं पे टीम प्लेयर्स की बात करें, रोहित रामलिंगम है, अरुण कार्तिक है, किरण आकाश है, आर राजकुमार है, ये प्लेयर्स जो है अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। अब दोनों ही टीम्स का अगर कंपैरिजन में बात करें, दोनों ही टीम्स बहुत अपना प्रदर्शन बेहतरीन दिखाएंगी। किसी भी टीम को हम आज इस मैच के दौरान कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जो है बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि दोनों ही टीम्स के बेहतरीन रहने की संभावना है। हालांकि ये मैच जो है टाई भी हो सकता है, कोई टाई हो गया तो बड़ी बात नहीं होगी, मगर प्लेयर्स जो हैं वो भी अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाएंगे और टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा इस मैच में। इसके अलावा अब दोनों ही टीम को विनिंग नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही टीम के कहीं ना कहीं आज इस मैच को जीतने के चांसेस है। मदुराई पैंथर्स भी जीत सकते हैं और सालम स्पार्टन्स भी जीत सकते हैं, मगर दोनों में से किसी एक टीम को हमने विनिंग बताना है तो विनिंग जो रहेगी सालम स्पार्टन्स रहेगी। ऐसा नहीं कहूंगी कि मदुराई पैंथर्स नहीं जीत सकते, वो भी बिल्कुल जीत सकते हैं, मगर एट द एंड वन जो है विनिंग टीम होती है तो हमें एक ही बतानी है, तो इसलिए सालम स्पार्टन्स का मैं नाम लूंगी आज। और टॉस जो है वो भी सालम स्पार्टन्स के ही जीतने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ये टक्कर का मैच रहेगा, इस मैच को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ऐसी TNPL से जुड़ी हुई प्रेडिक्शंस और स्पोर्ट्स प्रेडिक्शंस लेकर के आऊंगी मैं केवल मेरे YouTube चैनल पे। दैनिक राशिफल, साथ ही साथ तीज त्यौहार और इसके अलावा ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्ञान, स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन देखने के लिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।